स्पिट्स विला में क्या सही में केवल सिंगल लोग आते हैं? जो शो में हमें कनेक्शन बनते हुए नजर आते हैं, क्या वो रियल होते भी है, या फिर बस फेम के लालच में ये सब कंटेस्टेंट सिंगल होने का नाटक करते हैं और मेकर्स और ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे होते हैं? क्या ये सभी सवाल आपके मन में कभी भी आए हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इसी साल के एक स्पिरिचुअला कंटेस्टेंट जिन पर ऑलरेडी मैरिड होने का आरोप लगा है, उनके बारे में बात करेंगे। फेमस यूट्यूबर अरबाज शेख। और सिर्फ अरबाज ही नहीं, पिछले कई सीजन में ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जिन्होंने शो में सिर्फ सिंगल होने का नाटक किया और शो में बने अपने कनेक्शन को भी धोखा दिया। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका और शुरू करते हैं स्पिट्स विलन की पोल खोलना। इस साल के स्पिट्स विलन अरबाज शेख पर काफी वक्त से ये इल्जाम लग रहा है कि वो शो में आने से पहले ही ऑलरेडी मैरिड है। क्या ये सच है? अरबाज कई सालों से दुबई की रहने वाली लीजा बिंद्रा के साथ है और इनके साथ की वीडियोस में हमने कई बार जीवन साथी जैसा वर्ड उनके कैप्शंस में देखा, जिसकी वजह से कई लोगों को लगता है कि अरबाज और लीजा मैरिड है। पर सच्चाई ये है कि ये लोग मैरिड तो नहीं है, लेकिन कई सालों से कमिटेड जरूर है। और कई सालों से ही अरबाज अपनी ब्लॉगिंग वीडियोस में एज ए कपल लीजा के साथ वीडियोस बनाते आ रहे हैं। अरबाज के स्पिट्सला में जाने के बाद लोगों ने लीजा से बार बार ये सवाल करना शुरू किया कि आखिरकार अरबाज स्पिट्सला क्यों गए। तो लीजा ने कमेंट करके बताया कि अरबाज उनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है और ये जो शो है वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। अब आप ही बताओ कि ऐसी बात तो एक गर्लफ्रेंड ही लिख सकती है ना, दोस्त तो नहीं ना। और अगर लीजा अरबाज की गर्लफ्रेंड नहीं है तो अरबाज लीजा से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि वो सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड होने का हक जता क्यों रही है। लीजा मैक्सिमम टाइम दुबई में रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो स्पिट्सला को पूरी तरीके से नहीं देख पा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप शो को स्क्रिप्टेड बोलकर बात को टाल दो, क्योंकि शो बायस तो जरूर है, ट्विस्ट और टर्न सब कुछ प्लान होते हैं, लेकिन किसी कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और ये किस तरीके का लॉयल होना हुआ कि आपके ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, फिर आप इस तरीके के शो में आकर एक लड़की के साथ कनेक्शन बनाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम और फिर उसका दिल तोड़ दो। अगर आप इतनी ही लॉयल हो तो इस तरीके के शो में आने की जरूरत ही क्या है। और सिर्फ अरबाज ही नहीं, हर साल कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट जरूर आता है। आप पिछले 2 सालों के स्पिट्सला के विनर्स को ही देख लो। स्पिट्सला 14 को जीता हामिद बख्शी ने सुंदूस के साथ और पूरी सीजन में वो सुंदूस के लिए एकदम लॉयल दिखे कि जैसे रियल में वो उनसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन शो खत्म होने के बाद पता चलता है कि उनकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है रिदम, जिसको जानने के बाद सुंदूस को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। उससे पहले का सीजन ही देख लो, सीजन 13 को जीता अदिति राजपूत ने जय के साथ और अदिति ने भी सेम झूठ बोला कि वो सिंगल है और जैसे ही शो खत्म हो गया उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सारंग राय से एंगेजमेंट कर ली। स्पिट्सला हिस्ट्री के वन ऑफ द क्यूटेस्ट कपल को ही ले लो, श्रेय मित्तल और प्रेमवदा कंद। प्रेमवदा को श्रेय से सीजन में बहुत ही सीरियस वाला प्यार और अटैचमेंट हो गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि श्रेय तो बस शो में सिंगल होने का नाटक कर रहे थे और ये जानने के बाद प्रेमवदा को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था और वो कुछ टाइम तक सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन फेस में भी रही थी। तो अब आप ही बताओ कि इस तरीके की लॉयल्टी किस काम की? क्या आप शो के बाहर के अपने कनेक्शन को तो सब कुछ बता कर आ रहे हो और उनकी भी हिम्मत है कि इस तरीके के डेटिंग शो में अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके ये लोग भेज भी रहे हैं, लेकिन जो शो में इस तरीके के झूठे कंटेस्टेंट कनेक्शन बनाते हैं और फिर जो उन कनेक्शन को हर्ट होता है उसका क्या जवाब है? इसमें काफी गलती मेकर्स की भी है कि वो बस इतनी सी बार शो में आने से पहले कंटेस्टेंट के बारे में पता नहीं कर सकते कि
वो सही में सिंगल है कि नहीं। और गाइस बस ये ही नहीं, पता नहीं कितने ही ऐसे लोग स्पिरिचुअला में आए हैं सेम तरीके का झूठ बोल के। अगर मैं सबके बारे में बताने लगी ना तो एक पूरा दिन ही निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि शो में सब लोग ऐसे होते हैं, कुछ जेन्युइन कंटेस्टेंट भी आते हैं और शो में एक रियल कनेक्शन भी बनाते हैं। निखिल और पलक को ही देख लो, ये दोनों स्पिरिचुअला में पहली बार मिले थे और आज भी साथ हैं। और जस्टिन और साक्षी को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। अब आप ही बताओ कि इस तरीके के झूठे कंटेस्टेंट जब शो में किसी और को फेक बोलते हैं, किसी पर उंगली उठाते हैं, तो ये साफ साफ एक डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपने गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलूंगी। लेकिन एक बात, किसी भी और पर उंगली उठाने से पहले एक बार थोड़ा रुक कर अपने खुद की गिरिबान पर जरूर झांक ले। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइज।